लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Johnson came in with 32 more. If the sum total of these were to be multiplied by the amount of pounds invested, namely 2 pounds per ball, शंकर इस पाठ का मतलब समझा देना, दिमाग में कुछ उधर ही नहीं रहा। पिछले हफ्ते ही तो पाठ समझाया था मैंने। हाँ, दोबारा पढ़ने लगा तो सब खिचड़ी हो गई। मनी तुझे भी परीक्षा का बुखार चढ़ा है। ये मटर किसी से बात करने को तैयार ही नहीं। चलो चलो हिस्ट्री हिस्ट्री। ओ माय गॉड, ये राजम 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 कैसा है? आजकल ठीक स्कूल के घंटी के बजने के साथ ही आता है। परीक्षा में आने वाले सवाल मुझे किसी से मिल जाते तो। सब यही चाहते हैं पर किसी को ठीक से मालूम नहीं होता। इतनी जोर से घंटी बजाई, सुनाई नहीं दी तुम्हें? जाओ जाओ क्लासरूम में। मनी देख, ये सारे सवाल जनता होगा। कौन? सिंघाराम, अपने स्कूल का प्यून। हाँ, सीनियर फॉर्म के क्वेश्चन पेपर्स यही तो टाइप करवाता है। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते सर। कौन? मैं सर मणि, फर्स्ट फॉर्म ए सेक्शन। बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपको ये बैंगन देता जाऊँ। बैंगन? और ये भी। बहुत शुक्रिया। इन मक्खियों को अपनी आँखों के सामने कभी मडराने मत देना, और आँख सूज जाए तो कच्चे प्याज से अच्छी दवा कोई नहीं। अच्छा सर। सर परीक्षा शुरू होने में एक ही हफ्ता रह गया ना? हाँ, एक ही हफ्ता रह गया है। मैंने आज ही सेकंड फार्म के क्वेश्चन पेपर छापने के लिए दे दिए हैं। अच्छा? हाँ, पर प्याज को चुनना होगा सर। हाँ, मोटा, तीखा, रस वाला। हाँ, हाँ, छोटा प्याज कभी मत। नहीं सर, कभी नहीं। हाँ? मुझे परीक्षा की बड़ी चिंता लगी है, इसीलिए मैंने आपको बैंगन। खूब पढ़ाई की तो जरूर पास हो गए। नहीं सर, मैं कभी चिंता नहीं करता। हाँ। पर इस बार की मुझे इतनी चिंता लगी है कि रातों को नींद ही नहीं आती। हाँ। देखिए ना, मेरी आंखें कितनी लाल हो गई है। अगर आप मुझे कुछ महत्वपूर्ण सवाल बता दे तो। हाँ। पढ़ाई इतनी करनी है ना सर, और फिर मैं फिजूल के पाठ पढ़ना नहीं चाहता। सारे पाठ पढ़ो, पास हो जाओगे। पर सर परीक्षा में कौन से सवाल आने वाले हैं जरा बताइए ना। प्रश्नों के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं। हाँ, आपको नहीं तो और किसे मालूम होगा सर। नहीं बाबा, भगवान के लिए बताइए ना सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस बार भी फेल हो गया तो मेरे चाचा मालगुड़ी से कुंभम भेज देंगे मुझे। गणित में कम से कम हर रोज 5 सवाल सुलझाओ, यूं ही पास हो जाओगे। सुलझाऊंगा। और अंग्रेजी? अरे उसकी चिंता मत करो, सारे पाठ पढ़ो। पढ़ लूंगा। हाँ। पर भूगोल? भूगोल नक्शों पर ज्यादा ध्यान देना। नक्शों पर? बक्सा मुझे दो दादी, मैं उठाता हूँ। भारत के 2 नक्शे, अफ्रीका के 2 और यूरोप का 1 नक्शा बनाया मैंने। एटलस के सारे नक्शे कहना। हाँ, पर इसके पीछे मेरा एक हेतु है। शायद मुझे परीक्षा में आने वाले कुछ सवाल मालूम हो। पर किसी को बताना मत, मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अक्षय, देखूं? बहुत अच्छा, गुड बॉय। कौन कौन है? कौन? स्वामी? स्वामी क्या कर रहे हो यहाँ? ऊपर आओ, क्या है हाथ में? कुछ नहीं पिताजी। लाओ यहाँ। गधे, पहले ही जवाब क्यों नहीं दिया? कौन है कौन है चिल्लाते चिल्लाते गला फट गया मेरा। ये क्या है? व्हाइट पेपर, इंक, पैड, एडिशनल एक्सपेंस, ऊपर का खर्चा 1 रुपया। क्या है ये सब? परसों मेरी परीक्षा है ना, उसकी यादी। परसों? और फिर भी तुम गधे की तरह इधर उधर घूम रहे हो? और इस यादी का मतलब क्या है? तुम यही समझ बैठे हो ना कि रुपया ने पैसे आसमान से गिरते हैं, यहाँ से जो चाहो ले लो। पर पिताजी मेरे पास क्लिप्स नहीं है, आपके पास भी नहीं है, और उसकी जरूरत भी नहीं। और ये क्या है? पैड। पैड? उसकी क्या जरूरत है? तुम्हारे स्कूल में मेज नहीं? हमारे जमाने में सलेटी से सब काम चल जाता था, लेकिन इन लोगों को कलम, स्याही, कागज, कागज के नीचे रखने को पैड, सब चाहिए। मार्क्स तो हम लोगों से ज्यादा मिलते नहीं। इतना जल्दी लिख लिया? हाँ सर। Are you quite sure? Yes sir. तो बच्चों, आज तुम्हारा एक और आध्यात्मिक साल पूरा हुआ है। कल से जून की 19 तारीख तक स्कूल बंद रहेगा। आशा है तुम सब की छुट्टियां मजे से बसर हों। पर याद रखो, मौज मजाक के साथ अगले साल की किताबों पर भी एक नजर रखना। तुम सब ने परीक्षा तो अच्छी ही लिखी होगी और पास भी हो जाओगे, यही मेरी प्रार्थना है। अब हमारे साथ कहिए फादर। वी थैंक दी ऑलमाइटी गॉड for all the benefits thou hast conferred upon us. Oh my God, I love thee with all my heart and above all things. उसकी नानी याद नहीं दिलाती तो कह देना। साली जल्दी जल्दी पर साहब मैं सारा दिन रसोई घर में काम करता हूँ। हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम रसोई हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा दिन गप्पे लड़ाते रहो। जाओ अपना काम करो। हे भगवान, इनके कोर्ट में भी छुट्टी चल रही है। और तुम लोग भी जल्दी करो, 1 घंटे के अंदर काम पूरा हो जाना चाहिए। स्वामी कहाँ चले तुम? कहीं नहीं पिताजी। और कल इस वक्त कहाँ गए थे? यही था। झूठ मत बोलो। चलो, तुम कल घर पे नहीं थे, मुझे मालूम है, समझे? और आज कहीं बाहर नहीं जाओगे। हाँ जरा समझाइए इसे, सारा दिन धूप में इधर उधर घूमते रहता है, कहीं लू लग कर बीमार पड़ जाए तो। चलो। सुब्बू कहाँ है? दादी माँ के पास है। कई दिनों से तुमने अपनी किताबों को हाथ नहीं लगाया। छुट्टियों में भी मुझे पढ़ना होगा क्या? क्या तुम ये समझ बैठे हो कि तुम BA पास कर चुके हो? लेकिन पिताजी। ओहो, आपने कहा था कि परीक्षा के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं, जो चाहे करो। तुम पहले अपनी किताब और मेज पर जमी हुई धूल को साफ करो। मकोड़ा। हटाओ इसे, हटाओ। मकोड़े को फेंक दो बाहर, फेंक दो। क्या कर रहे हो? एक मकोड़ा फेंकने को सारा दिन लगा। नहीं पिताजी। फेंका, साफ करो। हाँ। ये भी कोई तरीका है? जल्दी जाओ और एक पोंछने का कपड़ा ले आओ। स्वामी। दादी माँ, मुझे पोंछने का कपड़ा दो जल्दी। मैं कहाँ से लाऊं पोंछने का कपड़ा? मैं कहाँ से लाऊं? अगर छुट्टियों में भी पढ़ना हो तो छुट्टियाँ देते क्यों है? क्या हुआ रे जामी? दादी माँ, अगर पिताजी को काम नहीं तो वो सो क्यों नहीं जाते? कपड़ा मिला? नहीं, माँ से पूछता हूँ। माँ, तुम तो बहुत अच्छी हो, हम गरीबों को अकेला छोड़ दो ना। पिताजी से मेरी शिकायत क्यों की? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चलो मुझे एक कपड़ा दो जल्दी। कौन सा कपड़ा? मुझे क्या मालूम, पिताजी कहते हैं मेज और किताबें साफ करो, छुट्टी बिताने का अच्छा तरीका है। मैं नहीं उठ सकती अब। नहीं उठ सकती? ए स्वामी, स्वामी आ गए? अच्छा, साफ करो। इतने बड़े हो गए, ढंग से काम करना नहीं सीखा। हाँ वहाँ भी अब एरिथ में लिख करते हैं। आ जाओ पिताजी। सुनिए, 9.5 एक्सरसाइज नंबर 3। आगे बढ़ता जा रहा है, देखिए ना, बच्चे का कपड़ा खींच कर ले आया। इस घर में है कोई ऐसा संभालने वाला? ये छुट्टियां भी खत्म नहीं होती। आपसे बात करना तो बेकार है, आप और इसमें कोई फर्क नहीं। हाँ। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, इस घर में डिसिप्लिन की जरूरत है। कहाँ पहुंचे हम? स्वामी, स्वामी, ये राजम, स्वामी जल्दी आओ। मणि, नहीं चल। मणि, ये तेरा किला और कितनी दूर है? अरे यहीं तो है, चल। मैं तो थक गया हूँ। हाँ, मेरे भी पैर दुख रहे हैं। मेरे नाजुक कलियों, बस इतने में ही थक गए। पहले ही कह देता तो तेरे घर के बगीचे में पिकनिक मना लेते। वाह रे पहलवान, आधे घंटे से चल रहे हैं हम। हाँ, किले का तो नामो निशान नहीं। हाँ राजा, मुझे भूख लगी है। मुझे भी, चल बैठ कर खाते हैं। तू क्या लाया है? केक्स। तू? अचार। नींबू का? ला, दे दे दे। मणि, वो क्या है? पंजा, चीते का पंजा। चीते का? नहीं नहीं, तुझे कैसे पता? मेरे चाचा कह रहे थे यहाँ बहुत आदमखोर चीते हैं। आदमखोर? तेरे चाचा को कैसे पता? वो तो फॉरेस्ट ऑफिस। ये ले हड्डी। अरे राजम लेना। ए, हटा हटा इसे, हटा। स्वामी चल जल्दी भाग। मनी के बच्चे को कभी नहीं लेके आने का, हमेशा डरा देता। क्यों, कैसा लगा किला? ये किला है, पत्थरों का ढेर है। होगा, पर एक जमाने में सचमुच का किला था। तुझे कैसे पता? मुझे सब पता है। मेरे चाचा कह रहे थे कि मालगुडी के राजा और रानी यहाँ रहते थे। उनके पास सब था, सेना थी 10,000 सिपाहियों की, हाथी, घोड़े, तलवार, ऊंट, सब था। हाँ। साजन स्वामी, साजन मणि, आओ मेरे साथ। हाँ सरकार, हाँ सरकार। साजन मणि, हमारे राज्य में सब ठीक तो चल रहा है? नहीं सरकार, हमारे पूर्व दिशा के पड़ोसी हम पर हमला करने आ रहे हैं। क्या? कुंभम वालों की ये मजाल? हाँ सरकार। सरकार, कुंभम की सेना। साजन मणि, घोड़े ले आओ। हाँ सरकार। ए, जल्दी जल्दी। कूच करो। साजन स्वामी, आ साजन स्वामी, उस पहरेदार पर तीर चलाओ। महाराज, कुंभम का राजा। कुत्ते कमीने। हाँ। साजन स्वामी, इसका सर काट दो। हाँ सरकार। सरकार? सर काटूं? हाँ। आपका मतलब है? हाँ। तो इसे जलकुंड में फेंक दे तो? और वो तैरकर बाहर निकल गया तो? पॉइंट भी नोटेड सरकार। ए! जब तक फैसला नहीं होता, इसे उस काल कोठरी में बंद कर दो। काल कोठरी? हाँ, वहाँ। जा। स्वामी, राजा का क्या हुआ? राजा को भूल जा राजम, वहाँ भूत है। एक नहीं, दो नहीं, 1000 2000 भूत। भूत भूत।